हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अनु। कैसे हो आप लोग? आज डेट है 27 जुलाई और ये आफ्टरनून की क्लिप है जब मैं अंकिस को खिला रही थी दलिया। वो कभी कभी ना मतलब सो के खाता है बहुत आराम से, कभी कभी परेशान करने लगता है तो मैं इसे गोदी में ऐसे ले लेती हूँ तो बहुत अच्छे से खा लेता है। वो टीवी देख रहा था, फिर मैंने शाम की आरती की, उसके बाद मैं यहाँ पे शाम हो गए थे, 6:30 बज गए थे। मैं छोले बना रही हूँ। ये रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। अभी मैं छोले में पहले 5 सीटी लगा लूँगी। मैंने दोनों चने मिक्स करके दिए थे, ब्लैक चना और काबुली चना। बहुत ही अच्छा छोला बना था, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ सबसे, जैसे प्याज और अदरक लहसुन का मेरे पास पेस्ट है तो मैं उसे डालूँगी। और यहाँ मैं प्याज कट कर रही हूँ, उसके बाद मैं टमाटो भी कट कर लूँगी। हरी मिर्च मैंने कट करके रख लिया है। और आप इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही अच्छा बना था छोला। मैं सब कट करके रख लूँ, मैं थोड़ी सी ही प्याज काटती हूँ ना तो मेरे आँखों से बहुत आंसू आता है। मैंने देखिए कट करके रख लिया। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ बनाने के लिए। तो छोला मेरा अच्छे से बॉयल हो गया था, मैं इसे निकाल लेती हूँ। और मैंने बॉयल जब किया छोले को तो मैं उसमें डाली थी ये दालचीनी, 2 लौंग, 1 इलायची, और बस इसे डाल के मैंने अच्छे से, और थोड़ी से नमक डाल के मैंने बॉयल किया। बहुत ही अच्छे से बॉयल हो गया था 5 सीटी में। उसके बाद मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, कुकर में नहीं। मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, उसमें 1 तेज़पत्ता डाला है और थोड़े से जीरा, क्योंकि मैंने खड़े मसाले डाल दिए थे कुकर में ही बॉयल होने के टाइम, तो मैं इस टाइम पे कोई खड़ा मसाला नहीं डालूँगी, सिर्फ जीरा डाल रही हूँ। और आप ना जब बॉयल करोगे तभी डालना, बहुत ही अच्छा उसका स्मेल आता है। उसके बाद मैं एक कटोरी में धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ी गरम मसाला, और मेरे पास यहाँ पे छोले मसाला नहीं था तो मैंने क्या किया, चिकन मसाला मेरे पास था MDH का, मैंने उसे डाल दिया। उससे भी इतना अच्छा टेस्ट आया ना, मैं क्या बताऊँ। फिर मैंने कटोरी में थोड़ा पानी डाल के उसे रख दिया। उसके बाद मैं अभी कढ़ाई में प्याज डाल दी हूँ। प्याज अच्छे से ये हो जाएंगे, गोल्डन हो जाएंगे, तब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी और दोनों को अच्छे से गोल्डन करके पहले भूनूँगी, फिर हरी मिर्च डाल के अभी बहुत अच्छे से पूरा लाल करके अच्छे से मैं उसे भूनूंगी। ये देखिए पूरा गोल्डन हो गया। अब मैं यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, उसे अच्छे से फ्राई किया मैंने कुछ देर। फिर मैंने हरी मिर्च भी डाल दिया। हरी मिर्च अच्छा खासा मैंने डाला है 5-6, क्योंकि थोड़ी ना तीखी अच्छी लगती है छोले। फिर मैंने अब मसाला का जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया। हल्दी भी मैंने डाला था उसमें, मिक्स कर दिया था एक ही बार। अभी अच्छे से मैं मसाले को भूनूंगी। देखिए आप ऑयल पूरे अच्छे से छोड़ दिया है। तब मैं टोमेटो डाल रही हूँ, अब टोमेटो, उसके बाद मैं नमक डालूंगी। नमक मेरे डब्बे में ख़त्म हो गई थी तो मैं फिल कर रही हूँ। उसके बाद अच्छे से भूनिए, बहुत अच्छे से एकदम टमाटर गल जाए और उसमें से ऑयल छोड़ दे पूरा, तभी आप छोले डालिएगा। मसाले अच्छे से भून जाएंगे तो आपके छोले बहुत टेस्टी लगेंगे। मैं ढक के यहाँ पे पकाऊंगी थोड़ी देर। ये देखिए मेरा अच्छे से एकदम पक गया है, पूरे अच्छे से मैश भी हो गया सब, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। फिर मैंने जो छोले बॉयल किया था, और हाँ वो पानी बिल्कुल नहीं फेंकिएगा जो आप कुकर में डालिएगा, वो पानी के साथ ही मैंने डाला है। और अभी थोड़ी देर बॉयल होने दूँगी, पूरे अच्छे से बॉयल हो गए और मेरे छोले बन के रेडी हो गए। बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा था अभी। अब मैं लास्ट में घी का छौंक जरूर लगाती हूँ। मैं थोड़े से घी डालूँगी और देगी मिर्च, जो कश्मीरी मिर्च होता है ना, उसे थोड़ा सा 1/2 चम्मच डालूँगी और थोड़ी देर उसे मैं अच्छे से गर्म कर लूँगी। जलाना नहीं है, वो रेड ही रहेगा, हल्का सा गरम करके और मैं छोले में तड़का लगा दूंगी। इतनी अच्छी खुशबू आएगी और आपके छोले की जो
टेस्ट है ना वो दोगुना हो जाएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट होगा। आप ऐसे छौंका ज़रूर लास्ट में लगाइएगा। उसके बाद आज मन किया था कि पूड़ी खाएंगे, छोले बने हैं तो पूड़ी बनाऊंगी, तो मैं पूड़ी भी बना रही हूँ। बहुत ही अच्छी फूली फूली पूड़ी बनी थी और मैं अभी साथ में ही हस्बैंड को गरम गरम बना कर दे दूँगी, क्योंकि वो ऑफिस से आए थे, उन्हें भूख लग गया था। तो ये है मेरा थाली, आप लोग बताइएगा कैसा लगा। उसके बाद ये नेक्स्ट डे है और मैं अभी पूजा कर रही हूँ सुबह का। सुबह के अभी 8:30 बज रहे थे, मैं नहा ली हूँ और अभी मैं पूजा कर रही हूँ। पे मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि ये राइम्स चल रहे थे ना, इसके कारण पूरे वीडियो में मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। पूरा वीडियो में अंकित के राइम्स जो टीवी में चल रहे थे वो आ रहे थे। तो मैं यहाँ पे बोल रही थी कि आज हस्बैंड ऑफिस नहीं गए हैं, आज थर्सडे है और अंकित हम लोग को कहीं जाना था इसलिए आज हस्बैंड ऑफिस नहीं गए हैं। कहाँ जाना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही थी सुबह के पोहे, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट में पोहे बनेंगे और आप छोले ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। कल मैं जो छोले की रेसिपी दी हूँ ना आप लोग को, मस्ट ट्राई, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बना था, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया, तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो यहीं तक थी। होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना ना भूले, मेरी इंस्टा आईडी है anyannu7। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यहाँ अंकित भी आ गया है, अंकित हेलो हेलो से हेलो, ओके बाय।